एंटीलिया उस मुकेश अंबानी के परिवार का एक ऐसा घर जिसे बनाने में अंबानी के इतने पैसे लगे जिससे अगर वो चाहते हैं तो मुंबई में भी एक बुर्ज खलीफा बना सकते थे। एंटीलिया का कंस्ट्रक्शन करने में एक नहीं बल्कि दो ऑस्ट्रिया की कंपनी को मुंबई आकर इस गगनचुंबी इमारत को बनाना पड़ा। इस आलीशान घर को बनता देख अंबानी की रातों की नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि मुकेश अंबानी के परिवार के सपनों के घर को बनाने में अंबानी की वर्षों की कमाई का बड़ा हिस्सा लगने वाला था। साथ ही उन्हीं का छोटा भाई अनिल अंबानी आखिर क्यों इस भव्य मार्ग को बनता देख खुद का भी एक आलीशान घर बनाने में लग गया और आखिर कैसे ये दुनिया का सबसे महंगा और आलीशान घर बनकर तैयार हुआ। चलिए देखते हैं फैक्ट वेरीफाइड हिंदी के इस खास एपिसोड में। 2 जुलाई 2002 धीरूभाई अंबानी की मौत हो जाती है और उनके अरबों रुपए का कारोबार अब उनके दो बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के कंधों में आ जाता है। मुकेश अंबानी ने अपने कारोबार से कमाए मुनाफे से 2003 में अपने सपनों का घर यानी एंटीलिया बनाने की सोची, क्योंकि अगर मुकेश अंबानी के 15,000 करोड़ रुपए लगने वाले थे इसीलिए उन्होंने जल्दबाजी न दिखाते हुए इस आलीशान घर को बनाने का काम एंटीलिया को बनाने के लिए जरूरत थी एक ऐसी जमीन की जो इस भव्य एंटीलिया का लाखों टन का वजन झेल सके और जिसके आसपास ज्यादा गगनचुंबी इमारत भी ना हो। जिसके लिए मुकेश अंबानी ने गरीबों इब्राहिम जो कि एक अनाथालय था उस ट्रस्ट से करीब 21 करोड़ रुपए में 4,532 वर्ग मीटर जमीन खरीदी और जमीन मिलने के बाद मुकेश अंबानी को एंटीलिया का डिजाइन बनाने के लिए एक ऐसे डिजाइनर कंपनी की तलाश थी जो 15,000 करोड़ के घर को दुनिया में एक अलग मुकाम दे और एंटीलिया का डिजाइन बनाने का काम किया। अमेरिका के डलास में मौजूद वर्किंग प्लेस व्हील्स और लॉस एंजलिस के हीरा बेंडर एसोसिएट कंपनी ने और एंटीलिया के इंटीरियर का डिजाइन मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने भी किया था। डिजाइन रेडी होने के बाद अब था इस आलीशान बिल्डिंग को सूनी पड़ी जमीन में खड़ा करने का, जिसके लिए चाहिए थी नायाब इंजीनियर्स और कुशल कारीगरों की टीम, क्योंकि ये इमारत एक ऐसी इमारत होने वाली थी जिसकी हाइट 173 मीटर थी और जो 8 रिक्टर स्केल के भूकंप को आसानी से झेल पाए, जिसके लिए मुकेश अंबानी ने ऑस्ट्रेलिया की कंस्ट्रक्शन कंपनी लिटन और बी बिलिमोरियन कंपनी को कंस्ट्रक्शन का काम सौंपा। ये दोनों कंपनी कंधे से कंधा मिलाकर अंबानी के सपनों के घर को बनाने में जुट गई। एंटीलिया की नींव एक एडवांस इंजीनियरिंग से बनी नींव है जिसमें बड़े बड़े लोहे के पाइप को जमीन में गाड़कर बेसमेंट तैयार किया गया। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पूरे जोर शोर से एंटीलिया की मजबूत नींव बना डाली और अब मेन बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन काम शुरू करने ही वाली थी, पर मुकेश अंबानी ने इसी बीच कंस्ट्रक्शन की डेडलाइन जारी कर दी और वो डेडलाइन थी 2010, क्योंकि मुकेश अंबानी के आलीशान घर को बनता देख उनके छोटे भाई अनिल अंबानी ने भी एक आलीशान घर बनाना शुरू कर दिया और मुकेश अंबानी चाहते थे एंटीलिया उस रेस में पहले बनकर तैयार हो जाए। इस जारी डेडलाइन से अब कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से होने लगा और दो कंस्ट्रक्शन कंपनी होने की वजह से बहुत जल्द इस इमारत की 17 मंजिलें तैयार कर दी, पर अब मुंबई की झुलसा देने वाली गर्मी इस कंस्ट्रक्शन का रोड़ा बनने लगी। मुंबई की गर्मी में तैयार होने वाला कंक्रीट बहुत जल्द सूखने लगा, जिसे अगर इमारत में डाला जाता तो इमारत जर्जर हो जाती, जिसके लिए अब कंस्ट्रक्शन कंपनी को कंक्रीट बनाने का काम रात को जब पारा 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता तब इस कंक्रीट को इस इमारत में डालना पड़ा। करीब 4 महीने की रात काम करके इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कर लिया गया और अब काम था इसके इंटीरियर डिजाइन का, और इंटीरियर का डिजाइन नीता मणि ने तैयार किया हुआ था। एंटीलिया उसमें आर्टिफिशियल शोरूम से लेकर 20 कीमती चीजें ही थी। 173 मीटर ऊंचे एंटीलिया में 27 मंजिलें हैं, लेकिन हर एक फ्लो आम बिल्डिंग के फ्लो से 1.5 गुना ऊंचा है। 4 साल की मेहनत और करीब 15,000 करोड़ रुपए के खर्चे के साथ एंटीलिया का काम सितंबर 2010 में पूरा कर लिया गया और अंबानी परिवार ने नवंबर 2010 में अपने सपनों के घर एंटीलिया में गृह प्रवेश किया। पर मुकेश अंबानी ने अपने पांव इस घर में 2011 में रखा, जिसके पीछे उनका निजी कारण था। अरे यार कहाँ चले, चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो। मिलते हैं फैक्ट वेरीफाइड हिंदी की एक और वीडियो के साथ।